मोदी सरकार की ओर से पास नया बैंकरप्सी कोर्ट बिल कई अरबपतियों के लिए मुसीबत बनकर आया है। बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वाले कुछ अमीरों की दौलत जहां इस कानून के चलते आधी हो चुकी है, वहीं कुछ अमीरानों की वापसी मुश्किल लग रही है। इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम एस्सार ग्रुप के फेमस रुइया ब्रदर्स का है। सरकार की सख्ती की वजह से रुइया ब्रदर्स की दौलत एक साल में आधी हो गई है। 5.8 अरब डॉलर की दौलत के साथ 2016 में 16वें नंबर पर रहने वाले इन दोनों मशहूर भाइयों की दौलत में भारी कमी आई है। इस बार 3.4 अरब डॉलर की दौलत के साथ ही मशहूर जोड़ी 41वें नंबर पर पहुंच गई है। दोनों भाइयों की दौलत में गिरावट का सबसे बड़ा कारण इस साल जून की एक घटना है। इस साल जून में RBI ने ऐसी कंपनियों की लिस्ट जारी की जिन पर बैंकों का हजारों करोड़ों का बकाया था और ये कर्ज नहीं चुका पा रही थी। इसमें सबसे बड़ा नाम एस्सार स्टील का था। RBI की लिस्ट के साथ ही इन एस्सार स्टील के खिलाफ नए बैंकरप्सी कानून के तहत कार्रवाई भी शुरू हो गई। ग्रुप पर इस समय करीब 7 अरब डॉलर का कर्ज है। कोर्ट और सरकार से मदद नहीं मिलने के बाद आखिरकार रुइया ब्रदर्स को ग्रुप की ऑयल असिट्स रूसी तेल शोधन कंपनी रोजेनफ को बेचना पड़ा। ये सौदा करीब 12.9 अरब डॉलर में हुआ। इस सौदे से मिली रकम से कंपनी अपना कर्ज खत्म करेगी। हालांकि इस घटना ने कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। बैंकरप्सी कोर्ट बिल के चलते हुई सख्ती ने कंपनी के सेंटीमेंट बिगाड़ दिए हैं, जिससे रुइया ब्रदर्स की दौलत साल भर में आधी हो चुकी है। 2010 में 15 अरब डॉलर की दौलत के साथ ही दोनों देश के टॉप 5 अमीरों में शामिल थे, जबकि ये रैंक 41 हो चुकी है और दौलत 5.8 अरब डॉलर से गिरकर 3.4 अरब डॉलर रह गई है। टीम इंडिलिंक्स।